नमस्कार। पिछले हफ्ते नॉन एग्री कमोडिटीज यानी बुलियन, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रहा और आने वाले हफ्ते में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से ही करेंगे। हमने देखा कि एक मिक्स्ड कारोबार देखने मिला, जहां पर पिछले हफ्ते के शुरुआती दिनों में एक दबाव में कारोबार करते हुए देखा गया गोल्ड और सिल्वर। यानी गोल्ड में जनरली हमने 46,800 से 46,700 तक के लेवल देखे। वहीं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद एक बड़ी रैली आते हुए देखी, जहां पर दाम जो है 47,350 के करीब गए। वहीं चांदी में भी हमने 60,000 के करीब के स्तर भी देखे, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन आते आते हमने 63,000 के करीब के लेवल भी देख लिए। हालांकि जो क्लोजिंग था वो 61,800 के करीब आया है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो बाय ऑन डिप की एक ट्रेंड है वो जारी रहेगा। और हमने जो पिछले हफ्ते बात की थी कि $1,720 का सपोर्ट ले चुका है और $1,780 तक गोल्ड जा सकता है स्पॉट में, वहीं दोबारा एक रिपीटेशन हो सकता है, क्योंकि हफ्ते का क्लोज जो है वो 1,760 के करीब आया है। तो इसके बाद हो सकता है कि हम दोबारा जो है दाम को $1,780, जो पिछले हफ्ते हमने एक टारगेट डिस्कस किया था, उसके करीब दोबारा जाते हुए देखेंगे। तो जो रणनीति होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप की होनी चाहिए। जब भी एक गहरा एक करेक्शन देखने मिले, यानी 400 से 500 पॉइंट का, तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। और अपसाइड में उतना ही एक रैली हमें देखने मिलेगा। सपोर्ट जो है वो 46,500 के करीब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक बाय ऑन डिप किया जा सकता है। और अपसाइड में 47,350 और उसके बाद 47,700 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। वहीं चांदी में भी 62,500 के स्तर की बात हुई थी एज अ टारगेट, क्योंकि इसके पिछले हफ्ते हमने 58,000 से चांदी को रिकवर होते हुए देखा था। तो 62,500 का टारगेट ऑब्वियसली अचीव हो चुका है। उसके बाद हमने करेक्शन देखी है, हालांकि 61,800 के करीब की ही क्लोजिंग है, तो बहुत निश्चित स्तरों पर क्लोजिंग भी नहीं आई है। एक डिसेंट क्लोज कहेंगे, एक पॉजिटिव क्लोज कहेंगे। आने वाले हफ्ते में अगर 61,000 के आसपास या उसके थोड़ा नीचे मिलता है तो दोबारा बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। और अपसाइड में 63,500 और उसके बाद लगभग लंबी अवधि के अगर हम समय से देखें तो 65,000 तक के दाम, यानी डॉलर टर्म्स में $24 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं रुख करते हैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो हमने कच्चे तेल में तेज़ी के साथ कारोबार होते हुए देखा। ओपेक जो एक जो प्रोड्यूसिंग कार्टल है उसने यही फैसला किया कि जो फिलहाल जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी है वो 4,00,000 बैरल्स प्रतिदिन से ही करेंगे। तो ये एक डिस्काउंटेड फैक्टर था। उसके बाद हमने कच्चे तेल को बढ़ते हुए देखा। WTI क्रूड भी $80 के ऊपर गया और हमने वही यहाँ पर भी हमारे डोमेस्टिक बाज़ार में भी देखा कि 5,900 से 6,000 तक के स्तर भी देखने मिले। हालांकि हफ्ते के बीच में क्योंकि US की तरफ से कुछ बयान आए थे कि वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से कुछ कच्चे तेल के जो बैरल्स है वो रिलीज़ कर सकते हैं, तो हमने एक ब्रीफ करेक्शन आते हुए देखी थी। लेकिन वो करेक्शन एक ही दिन की थी और उसके बाद हमने दूसरे ही दिन एक नया हाई 6,000 के करीब बनते हुए देखा M6 पर। तो आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि जब तक 5,650 का स्तर होल्ड कर रहा है पोजिशनल बेसिस पे और इमीडिएट तौर पर 5,800 के ऊपर प्राइसेस चल रही हैं, तब तक जो भी डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह लिया जा सकता है। और अपसाइड में 6,200 से 6,250 तक के स्तर, यानी WTI क्रूड में करीबन $84 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा कि 478 से 480 के जो टारगेट की बात हुई थी वो अचीव हो गया और उसके बाद करेक्शन भी देने में कामयाब हुआ मार्केट। तो एक तरह से क्योंकि एक टारगेट आ चुका था तो जनरली एक करेक्शन आती है और काफ़ी डीप करेक्शन आई, लेकिन 405 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने 440 तक के दाम भी देखे उसके बाद। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि 405 का स्तर जब तक होल्ड कर रहा है तब तक दोबारा एक बार बाजार जो है ऊपर की तरफ रुक कर सकता है। हालांकि अपसाइड जो फिलहाल होगा वो 445 और उसके बाद 460 तक सीमित रहने की उम्मीद है। बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में सबसे शानदार तेज़ी देखी गई। हमने एल्यूमिनियम में 235 का स्तर जो है वो निकलते हुए देखा और 238 के आसपास क्लोजिंग देते हुए देखा। ऐसा लगता है एल्यूमिनियम ये जो तेज़ी है 241 से 242 तक एक्सटेंड करेगा, तो बाय ऑन डिप किया जा सकता है। वहीं कॉपर में बढ़िया तेज़ी देखी गई, 731 के ऊपर के लेवल देखे गए। हालांकि क्लोजिंग 728 के करीब आया, लेकिन आने वाले हफ्ते में जब तक 715 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तब तक डिप पे बाइंग किया जा सकता है। और अपसाइड में 742 तक के लेवल देखे जा सकते हैं।
निखिल में आखिरी कारोबारी दिन हफ्ते के हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी और अब 1500 तक के लेवल हमने देख लिए। ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है जारी रहेगी आने वाले दिनों में। 1460 से 1450 के रीजन में इमीडिएट सपोर्ट है और बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो पूरा ही बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं अपसाइड पॉइंट कर रहा है और तेज़ी का जो रुख है वो जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक ब्यौरा कि आने वाले हफ्तों में नॉन एग्री कमोडिटीज़ में।